मुझे सिखाने की जिम्मेदारी उनकी थी ना? और कोई नहीं सिखा सकता क्या तुम्हें? हम बनाएंगे तुम्हें कुशल गृहिणी, हम सिखाएंगे घर गृहस्थी के गुण। अच्छी पत्नी बनी, अच्छी बहू बनी, अब क्या अच्छी गृहिणी भी बनना पड़ेगा? एक बार में क्यों नहीं बता देते कि क्या क्या बनना होगा मुझे? सबसे पहले तो शांत बनना है तुम्हें, शांत रहना सीखो। जितना जबान चलाती हूँ ना, अगर उतना ही हाथ पांव चलाओगी तो क्या कुशल गृहिणी बनने से कोई रोक सकता है तुम्हें? गृहिणी बनना जरूरी है क्या काका ससुर जी? सूरज का उगना, हवा का चलना, जल का बहना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एक औरत के लिए कुशल गृहिणी बनना। अरे घर गृहस्थी, यही सब तो जीवन का सबसे बड़ा सुख है औरत का। घर संभालती, चूल्हा चौका करती, भोजन परोसती, क्या सबसे सुंदर नहीं लगती लड़कियां? याद रखो बहू, गृह कार्यों में निपुणता ही सबसे सुंदर गहना है एक औरत का। क्या ये सुंदर नहीं लग रहे हैं मुझ पर? क्या ये असली गहने नहीं है? मैं छोटी हूँ, चीजें खो ना दूं, इसीलिए आपने नकली गहने दिए थे ना काका ससुर जी? गहने भी 100% खरे दिए हैं तुम्हें और सबक भी 100% खरा ही दे रहे हैं तुम्हारे काका ससुर। अरे जमींदारों की शान पे धब्बा लगे, ये पहले होने दिया है क्या कभी जॉब होने देंगे? कितना कुछ करना पड़ता है शादी के बाद एक अच्छी बहू, कुशल गृहिणी और अच्छी पत्नी बनो। पहले तो बस पूरा दिन खेलो, रसगुल्ले खाओ और माँ से कहानियाँ सुनो, अब कैसे करेगी इतना सब नन्ही बोंदता? बहू ये लो बहू, आज से ये है असली गहना तुम्हारा। ये बढ़ाएगी तुम्हारे हाथ की शोभा, इसकी धनक से बनोगी तुम एक कुशल गृहिणी। बस ये समझ लो बहू, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है आज से। वंदिता, कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। दिखाइए ना, रसगुल्ले हैं? कोई खिलौना लाए हैं? बंदिता, ना खाना है ना खिलौना। ये चौक और स्लेट है बंदिता, तुम्हारे लिए। बस ये समझो कि आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये चौक और स्लेट ही तुम्हारी शक्ति बनेगा बंदिता। तुम्हारे हाथों पे इसकी चमक तुम्हें कुशल गृहिणी भी बनाएगी और समाज में वो स्थान भी दिलवाएगी जिसकी हकदार हो तुम। था ये चौक और स्लेट वो राह बनेगी जिस पर चलकर तुम अच्छी और ऊंची, बहुत ऊंची मंजिलों पर पहुंचोगी। लो इसे पकड़ो।
संभाल के रखना इसे, जानती हो क्यों? क्योंकि ये ही तुम्हारा असली गहना है। कहते हो कि कुशल गृहिणी बनना ही औरत का सच्चा गहना है, और पति बाबू आप कहते हो कि पढ़ाई लिखाई औरत का असली गहना है, पर मैं क्या करूं, किसे मानूं अपना असली गहना, किसे चुनूं मैं, घर चलाना सीखूं या पढ़ना लिखना सीखूं? घर चलाना। पढ़ना लिखना और कुशल गृहिणी में से एक को चुनना हो तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। मुश्किल क्या है बंदिता, पढ़ाई लिखाई चुनो। पढ़ाई लिखाई करने से इंसान का दिमाग तेज होता है, विकास होता है इंसान का, और फिर वो इंसान देश का भी विकास कर सकता है। अच्छा, विकास चाहे घर का विनाश हो जाए उसमें, वो ठीक है। अरे बहू, गृह कार्य सीख कर ही तो गृहिणी को एक नया रूप मिलता है, नया आयाम मिलता है, गृहिणी संपूर्ण बनती है। तुम सुंदर घर बना सकती हो। अगर पढ़ाई लिखाई करोगी ना बंदिता, तो पूरे देश को सुंदर बना सकोगी तुम। अच्छा, और घर का क्या? घर भी तो गृहिणी से ही सुंदर बनता है कि नहीं? अरे घर ही ना सुंदर हो तो देश सुंदर बना के कोई तमगा मिल जाएगा क्या? बंदिता, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी तो इंसान और पशु में कोई फर्क रह जाएगा क्या? हाँ, जानती हूं ना अनपढ़ लोग को कैसे हांकते हैं पढ़े लिखे और ताकतवर लोग। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, सुना है ना, बिन खाना ना पूजा और ना कोई और काम दूजा। पंडिता, पढ़ लिख कर तुम एक डॉक्टर बन सकती हो, इंजीनियर बन सकती हो, वैज्ञानिक बन सकती हो, बैरिस्टर बन सकती हो। मेरी तरह बनना चाहोगी बंदिता, बैरिस्टर बाबू? तुमने बैरिस्टर बनके कौन सा तीर मार लिया बैरिस्टर बाबू? बहू, अरे कुशल गृहिणी बनकर अच्छी पत्नी बन सकती हो, अच्छी बहू बन सकती हो, मां बन सकती हो। अरे इससे बड़ी पदवी होती है क्या कोई औरत के लिए? शायद ना हो काका, पर पढ़ लिख कर तो पूरी दुनिया देख पाएगी, आसमान छू सकती है बंदिता। घर की औरतों के लिए बस चार दीवारी ही नहीं है काका, सही होगा क्या ये बताइए? क्यों, गलत क्या है उसमें? अरे घर ही ना संभाल सके तो दुनिया क्या खाक संभालेगी औरत? पति, बच्चे, भाई बहन, घर के बड़ों को ही अगर खुश ना कर सकी तो आसमान छूने की जगह पाताल लोक में ना समा जाएगी औरत। बंदिता, अगर पढ़ी लिखी रहोगी ना तो पाताल लोक को भी स्वर्ग बना पाओगी, समझ रही हो? अपना भाग्य, अपना भविष्य अपने हाथों से लिख पाओगी, उस कलम से जो मैं तुम्हें पकड़ा रहा।
और घर का काम सीख लिया, घर संभाल लिया, तो जीवन वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा बहू। इसलिए सोचो मत कि कुशल गृहिणी बनने की राह में अपना अगला कदम आगे बढ़ाओ। नहीं बोंदिता, तुम्हारा अगला कदम पढ़ाई लिखाई की ओर ही बढ़ेगा। नहीं, बहू का अगला कदम रसोई घर की ओर बढ़ेगा। नहीं बोंदिता, ई और गणित सीखोगी। पहले रसोई घर का काम सीखना होगा, पूजा पाठ की विधि सीखनी होगी, उसके बाद। बोंदिता, तुम वही सुनोगी जो मैं कह रहा हूं, समझी? मास्टर जी आएंगे कल से तुम्हें पढ़ाने के लिए, और तुम पढ़ाई लिखाई ही करोगी। तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर होगा, ठीक है? कहीं और ध्यान भटकने ना पाए तुम्हारा, कोई तुम्हारा ध्यान भटका ना पाए बोंदिता। वाह वाह बेटा वाह, कहीं और ध्यान ना भटके, हा? कोई और बना दिया तुमने हमें। हमने बचपन से तुम्हारा, तुम्हारे भाइयों का ख्याल नहीं रखा, प्यार नहीं किया, शादी नहीं की, संतान नहीं है कोई, पर तुमको ही अपनी संतान माना ना, और तुम एक झटके में कोई और बना दिया तुमने हमें। काका, आप जानते हैं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। क्या आपके दिल को कभी ठेस पहुंचाना चाहूंगा मैं? नहीं ना। पर काका, आपको भी समझना होगा कि बोंदिता को जरूरत है पढ़ाई लिखाई करने की। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, बोंदिता की ताकत बनिए, उसका रास्ता रोकने वाली दीवार नहीं। पर जरूरत क्या है बहू को पढ़ाई लिखाई की? अरे घर का काम, जमींदारी का काम संभालने के लिए घर में पढ़े लिखे नौकर चाकर लोग हैं कि नहीं है? और तुम हो पढ़े लिखे? विनय है, सोमनाथ है, बटुक भी जाता है विद्यालय, तो बताओ। और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है इस घर में? नहीं ना। जरूरत है तो एक गृहिणी की, इस हवेली को सुंदर घर बनाने के लिए। पर पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी है ना काका। पढ़ी लिखी औरत गृहिणी नहीं बन सकती, ऐसा लिखा है क्या कहीं? पढ़ लिख लेगी तो कल को गृहस्थी के साथ साथ जमींदारी भी चला सकती है ना बोंदिता। मेरा तो मानना यह है कि सरकार को शिक्षा मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। हर लड़की को लड़कों की तरह स्कूल जाना चाहिए, पाठशाला जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कोई भेदभाव ना हो लड़के और लड़कियों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए काका। सबका समान अधिकार होना चाहिए शिक्षा पे, और उसे चुनकर तरक्की की राह पाने में भी। औरत की खुशी और तरक्की का रास्ता मंदिर और रसोई घर से जाता है। तुम्हारी माँ का स्थान भरना है बहू को, समझ रहे हो ना? कुशल गृहिणी बनकर ही इस हवेली को घर बना सकती है बहू। अरे एक मंदिर की तरह पवित्र रख सकती है। कह दो तुम कि अगर कुछ गलत कह रहा हूं मैं तो। काका, आप गलत नहीं है, पर मेरी बात। किंतु, परंतु, अपितु, इन सब की कोई आवश्यकता है? जब तुमने ये मान लिया कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो फिर बहस क्यों, किस बात की? तो ये तेरा कि बहू को एक कुशल गृहिणी बनने के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। सुना ना तुमने बहू? पढ़ाई लिखाई नहीं, कुशल गृहिणी बनना है पहले तुम्हें। याद रहे कब? प्रशिक्षण कौन देगा? ये तो बताया ही नहीं काका ससुर जी ने। पति बाबू, मैंने कहा ना मास्टर जी आएंगे। मास्टर जी सिखाएंगे खाना बनाना, मंदिर में पूजा करना,
अच्छी मिठाइयाँ बनाना सब सिखाएंगे। अच्छी मिठाइयाँ बनाना सीख जाऊंगी तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही बना के खा जाऊंगी। बोंदिता ठीक है आपको भी खिलाऊंगी। अरे कोई जरूरत नहीं है कोई मिठाई या खाना बनाने की, इसके लिए बहुत नौकर चाकर हैं हवेली में, तुम्हें पढ़ने लिखने की जरूरत है और मास्टर जी आके तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगे, समझी? चलो चौक और स्लेट उठाओ और याद रहे अच्छे से पढ़ाई करनी है तुम्हें। पर काका मैं मना लूंगा काका को, बोंदिता तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारा पढ़ना तय है बोंदिता, ये तुम्हारी चौक और स्लेट बोंदिता, और ये तुमसे किसी को छीनने नहीं दूंगा मैं। पकड़ो इसे। क्या फायदा है तुम्हारे सौंदर्य का, तुम्हारे रंग रूप का, तुम्हारे गुणों का, जब वो छोटी सी बच्ची हमारे अनिरुद्ध को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। सुदामिनी तुम एक बच्ची से हार रही हो। अनिरुद्ध दादा वापस तो आए, अकेले नहीं आए, साथ में एक दुल्हन को लेकर आए। भोग के चारों तरफ अल्पना बनाओ। हमने रॉय चौधरी परिवार की बहू से कहा। वंदिता मिनी हटो ना, देखने दो बोंदिता को। बोंदिता आज तक जो चाहा है वो पाया है सौदामिनी ने, और तुम तो सिर्फ मेरी चाहत ही नहीं मेरी जरूरत भी हो अनिरुद्ध, तुम्हें कैसे भूल जाऊं मैं? मैं अपने से दूर जाने दे सकती हूँ क्या? नहीं, कभी नहीं। चाहे उसके लिए ठीक कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर से फंस गई रे तू बोंदिता, हे तुक्का माँ, क्या करे ये नन्ही बोंदिता? मेस्ता बाबू कहते हैं कि पढ़ाई करो, और काका ससुर जी कहते हैं कि खाना बनाओ। पति बाबू की नहीं सुनी तो वो नाराज हो जाएंगे, और काका ससुर जी की बात नहीं मानी तो उन्हें बुरा लगेगा। माँ कहती है किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। अब आप ही बताओ दुग्गा माँ, क्या करूँ मैं? कितनी छोटी हूँ मैं, पर ये लोग समझते ही नहीं। बहू जी, क्यों भगा रहे आप मुझे आज रात में बिस्तरा बाबू? अब तो बिस्तर गीला भी नहीं करती मैं। अरे हम हैं तुम्हारे काका ससुर जी, भूल गई क्या? तुम्हारे जीवन का कुशल गृहिणी बनने का नया अध्याय शुरू हो रहा है आज। चलो चलो उठ जाओ जल्दी से, सूरज निकलने से पहले नहा के आओ नीचे रसोई में। पर इतनी सुबह खाना खाती हूँ क्या मैं काका ससुर जी? अरे इस लड़की को तो हमेशा खाने की ही सूझती है।
खाना खाना नहीं बनाना है। अच्छा सुना ना कोयली दीदी, काका ससुर जी जो कहे वो बना लो, बाद में मैं चक्कर बता दूंगी कैसा बना है। अरे तुम्हें खाना खाना नहीं बनाना है बहू। मुझे? हाँ तुम्हें। इतनी सुबह सुबह खाना बनाना अंधेरा नहीं है भगवान? आपने बताया नहीं कोयली दीदी काका ससुर जी को कि अभी कुछ सो कर भी नहीं उठा होगा। अरे सुबह सुबह सबके उठने से पहले उठकर काम करना ही कुशल गृहिणी की निशानी होती है। चलो बहू उठ जाओ, चलो जल्दी से जाओ नहाओ और पहुंचो नीचे। जाओ 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 जाओ, चलो चलो। पानी गिरने की आवाज क्यों नहीं आ रही हमें बहू? जी ने कहा है तो नहाना तो पड़ेगा बोंदिता, पता नहीं क्यों कुशल गृहिणी बनाना है मुझे। कैसे माँ बनती है इसके विज्ञान पर आधारित है। एक औरत माँ कैसे बनती है ये बात संपूर्णा को समझाने में मददगार हो सकती है। ये किताब भले पढ़ ना सके पर इसके चित्र देखकर जरूर समझ आएगा संपूर्णा को कि वो पेट से नहीं है। अनिरुद्ध बाबू आप? सौरभ तुम भी किताबों का शौक रखते हो, बताओ कैसी किताबों में है रुचि तुम्हारी? नहीं अनिरुद्ध बाबू मुझे रुचि नहीं है, मैं तो यूं ही बस। अच्छा तुम्हें चाहिए तो तुम ले जा सकते हो किताब, पढ़ना तो अच्छी बात है ना सौरभ। वैसे भी कहते हैं ना टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर, बता तो दो कौन सी किताब है और मेरे पास होंगी वैसी। नहीं अनिरुद्ध बाबू आप ही बनिए लीडर, मैं तो बस किताबें रख रहा था। किताब ही तो है, दिखाने में शर्म कैसी, दिखाओ वो। अरे दिखा तो दो दोस्त। में शर्माना कैसा सौरभ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसी किताबें सब तक पहुंचें, सब पढ़ें ऐसे विषयों के बारे में। न जाने क्यों हमारे देश में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ना तो दूर, लोग बातें भी नहीं करना चाहते। इसमें शर्म कैसी? तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे विषय स्कूल्स में पढ़ाए जाने चाहिए ताकि सही समय पर लोगों को सही ज्ञान मिल जाए? जानते हो कितने घर परिवार टूटते हैं इस विषय में सही ज्ञान ना होने के कारण। हम बच्चों को पढ़ाकर इसके बारे में सही ज्ञान दे सकते हैं, बाहर से गलत जगहों से गलत या अधूरा ज्ञान प्राप्त करना बहुत घातक हो सकता है सौरभ। मेरा मानना ये है कि अगर सही समय पे सही ज्ञान मिल जाए तो बच्चों को, और ना सिर्फ बच्चों को बड़ों को भी गलत परिस्थितियों से बचाया जा सकता है, और ऐसा करके हम एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। इसीलिए सौरभ शर्माओ मत, ले जाओ ये किताब जी। अच्छा जाते जाते ये तो बता दो कि बोंदिता की मास्टर जी वो शिक्षक के बारे में कुछ बात हुई किसी से? जी
मैं भी भुलक्कड़, उसी बारे में तो बोलने आया था आपको। मास्टर जी आज से ही आ रहे हैं छोटी मालकिन को पढ़ाने, और जैसे आपने कहा था 3 बजे के बाद ही आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई तुमने सौरभ। तो गोंदिता का निरक्षर से साक्षर होने का शुभारंभ होगा आज। लिफाफा खोलकर नहीं देखेंगे मेरा अंकल? सुदामिनी वेड्स अनिरुद्ध 10 दिन के बाद। ये सब क्या मजाक है? किसने तय किया ये विवाह? मेरा और अनिरुद्ध का विवाह पहले से तय नहीं था, मैंने तो सिर्फ एक तारीख दी है। मुझे लगता था कि आप भी यही चाहते थे, मेरा मतलब आप अभी भी यही चाहते हैं। बिल्कुल हम यही चाहते हैं सुदामिनी, कि तुम इस हवेली की बहू बनो। लेकिन ये कैसे हो सकता है, जानती नहीं हो क्या? अनिरुद्ध की पत्नी बोंदिता है अब। बहुत सोच समझ कर मैंने ये निमंत्रण पत्र बनवाया है बिनॉय अंकल, पर आप मुझे असमंजस में क्यों लग रहे हैं? आपको भरोसा नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो मैं कर भी सकती हूँ? अब चिंता तो होगी, क्या बचा है हमारे हाथ में? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो दोनों पति पत्नी है, एक एक कदम फूक फूक कर लेना होगा कि नहीं? जानती हूँ कितने अच्छे शिकारी हैं आप बिनॉय, आप इतनी सावधानी से वार करते हैं कि शिकार को पता ही नहीं चलता कि उसका शिकार हो गया। लेकिन एक अच्छा शिकारी ये भी जानता है कि जब शेरनी घायल हो जाती है तो वो दुगनी ही ताकत से शिकारी पर वार भी करती है। सिर्फ ताकत से वार करना काफी होगा क्या? है कोई योजना तुम्हारे पास जिससे बोंदिता अनिरुद्ध से दूर हो सके? बिनॉय अंकल, हमने सिर्फ 2 बड़ी गलतियां की है। हमें लगता था कि अनिरुद्ध को हम मेरी खूबसूरती से अपनी ओर खींच सकते हैं, पर हम ये बात भूल गए कि अनिरुद्ध कितना भावुक है, वो रिश्तों को कितना मायने देता है, वो कभी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और अनिरुद्ध मेरी सुंदरता से नहीं मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं जानती हूं कि भले हमारा विवाह ना हुआ पर उसे पहले की तरह मेरी थोड़ी तो चिंता होती होगी। उसकी इसी ही चिंता का फायदा उठाना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, हमने बोंदिता को हमेशा बिचारी दिखाया है, इसलिए तो अनिरुद्ध को उसके लिए बुरा लगता था। जब बोंदिता के बिस्तर गीला करने वाली बात बाहर आई तब वो कमजोर दिखी, इसलिए अनिरुद्ध उसका इलाज बन गया। जब बोंदिता के अनपढ़ होने वाली बात बाहर आई तो वो उसकी कलम बन गया। हमने जितना उसे दबा कर रखा, जितना बेचारा दिखाया, उतनी ही ताकत से अनिरुद्ध और बोंदिता जुड़ गए। पर हम ये भूल गए कि अनिरुद्ध को बेचारों से कितनी हमदर्दी है। हमने ही बोंदिता को अनिरुद्ध का फितूर बनाया है, पर इस बार हम अनिरुद्ध को वो दबी हुई कुचली हुई बोंदिता नहीं दिखाएंगे। तो क्या दिखाएंगे आप? रानी महारानी? हाँ, इसमें गलत क्या है? अगर अनिरुद्ध को लगे कि बोंदिता एक शैतान बदमाश कामचोर लड़की है जिसे खाने और शैतानी करने के अलावा कुछ भी नहीं आता, इसलिए हम अनिरुद्ध को वो बिचारी नहीं बल्कि एक बदमाश बोंदिता दिखाएंगे जिसकी अनिरुद्ध को कोई जरूरत नहीं, जिसे देखकर उसे चिढ़ होने लगे, ऐसी बोंदिता दिखाएंगे हम इसे। रणनीति तो काफी अच्छी है तुम्हारी सुदामिनी, पर ये करोगी कैसे? योजना है तुम्हारे पास? वो भी जल्दी ही बता दूंगी, पर तब तक अब विवाह की तैयारी करो। सूट सिलवाइए घर वालों के लिए, इस हवेली को फूलों से सजा दीजिए, कलकत्ते के हलवाई वाले को बुलाइए मिठाई बनवाने के लिए। आज से ठीक 10 दिन बाद होगा अनिरुद्ध और सौदामिनी का विवाह, तारीख भूलिएगा नहीं।
के नहले ठंडे पानी से बांधता, वरना काका ससुर जी कहेंगे कोई बहाना नहीं चलेगा बहू, ठंडे पानी से नहाना ही धर्म है एक कुशल गृहिणी का। चलेगा किसी को सच में कुशल है तुम्हारी बंदता। पानी गिरने की आवाज नहीं आ रही हमको। भीगा कान हुआ स्नान वाला स्नान करके आई ना तो देख लेना बहू, फिर से भेज देंगे नहाने। चलो डालो सिर पे पानी का लोटा और बोलो हर हर गंगे। अरे दांत कटकटाने की आवाज नहीं आई ना तो हम मानेंगे क्या कि हुआ है सुबह सुबह का स्नान। चलो चलो